आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। और हमारे इस खास कार्यक्रम में हम अक्सर बात करते हैं उस खबर की जिनसे होता है आपको सरोकार। हम बात करते हैं आज उस खबर की जो होती है बुढ़ापे का सहारा, जी हां, पेंशन स्कीम की। पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओल्ड पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम यानी न्यू पेंशन स्कीम की, जिस पर लगातार विवाद हो रहा है और राजनीतिक पार्टियां इस पर अपनी रोटियां सेकने में लगी हुई हैं। चुनाव में वोट बैंक के लिए राजनेता इसे भुनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि कुछ जगह पुरानी पेंशन स्कीम को लागू भी कर दिया गया है और कई ओपीएस की बहाली करने के बाद भी वादे किए जा चुके हैं। लेकिन इन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ओपीएस और एनपीएस है क्या। अगर पुरानी पेंशन की बात करें तो इसके तहत जब कोई सरकारी कर्मचारी रिटायर होता है तो उसे सरकार द्वारा कर्मचारी की तत्कालिक सैलरी का आधा हिस्सा यानी 50% भाग पेंशन के तौर पर दिए जाने के नियम है। इसमें कर्मचारी के सेवाकाल का कोई भी असर नहीं पड़ता है। जबकि इसके विपरीत अगर नए पेंशन स्कीम की बात करें तो इस पेंशन स्कीम के तहत 1 अप्रैल 2004 को या उसके बाद सरकारी सर्विसेज में शामिल होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एनपीएस अनिवार्य है और लगभग सभी राज्य सरकारों ने इसे अपने कर्मचारियों के लिए अपनाया है। इस स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों द्वारा अपनी सैलरी का 10% पेंशन के लिए दिया जाता है और सरकार की तरफ से इसमें 14% का योगदान दिया जाता है। ओपीएस कर्मचारियों के लिए ज्यादा फायदेमंद नजर आती है और यही चिंता का विषय भी जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो पेंशन पर टेंशन लगातार गरमाई हुई है और आज यूपी की राजधानी लखनऊ में भी जिसको लेकर अभी थोड़ी ही देर में प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। सभी राज्य और केंद्र के कर्मचारी प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। तो कई राज्यों में जहां एक तरफ पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल कर दिया गया है तो वहीं यूपी में अभी तक नई पेंशन स्कीम योजना ही लागू है जिसको लेकर सभी केंद्र और राज्य के जो कर्मचारी हैं वो अक्सर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। भले ही ये पेंशन स्कीम 2004 में लागू हुई है लेकिन इस पर लगातार प्रदर्शन जारी है। आज साल 2023 है लेकिन इस दौरान भी तमाम कई बार प्रदर्शन किए जा चुके, कई बार प्रदर्शन हुए लेकिन हर बार ये मुद्दा कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में जाता हुआ नजर आया और अब एक बार फिर से इस मामले पर आज जो सभी कर्मचारी हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। तो पुरानी पेंशन बनाम नई पेंशन को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। तो वहीं इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सपा से रविंद्र प्रताप सिंह, बीजेपी से संतोष सिंह और कांग्रेस से अभिमन्यु त्यागी हमारे साथ जुड़े हैं और हम हमारे सभी खास मेहमानों का प्राइम टीवी पे स्वागत करते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा है संतोष सिंह जी से। सर, लगातार जो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, लगातार जो तमाम कर्मचारी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन जो आपकी सरकार है वो उनकी मांगों को मानने को आखिर तैयार क्यों नहीं हो रही है? पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के जो भी चीजें आ रही है सामने, चाहे लोग मांग कर रहे हैं, कहा है इस बात को, नई सिस्टम से जो चीजें चल रही है वही चलेगी। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के आरबीआई ने जो गाइडलाइन जारी किया उसमें हमारा और सरकार का कोई रोल नहीं। संतोष जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है लेकिन हम लगातार उनसे संपर्क करने का प्रयास करेंगे। लेकिन मेरा सवाल आपसे है रविंद्र प्रताप सिंह जी कि लगातार जो भाजपा दावे करती है सबका साथ सबका विकास, 23 साल बाद बिजली कर्मचारियों की हड़ताल, अब एक बार फिर से पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर प्रदर्शन, तो वाकई में क्या लगता है आपको कि सबका साथ सबका विकास यूपी में हो रहा है? भाजपा कहती कुछ और है, करती कुछ और है, कथनी कंतरी में बहुत अंतर है, हर क्षेत्र में, उनके हर वादे में, उनके हर मैनिफेस्टो में। अगर आप ओल्ड पेंशन स्कीम में देखिएगा तो 2004 से पहले 2014 से पहले यही हल्ला मचाते थे। अब क्या करते हैं, 2004 में इन्हीं ने खत्म किया ओल्ड पेंशन स्कीम को। हमारा स्टैंड एकदम क्लियर रहा कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली के साथ में हैं और अभी जो विधानसभा सत्र गया है उसमें विधान परिषद में हमारी तरफ से मांग उठाया गया कि तुरंत सरकार तुरंत ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करे। लेकिन जो वित्त राज्य मंत्री हैं श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी, उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि हम लागू करने की स्थिति में नहीं हैं। तो हमारा स्टैंड क्लियर है, भाजपा का स्टैंड क्लियर है, लागू करने की स्थिति में नहीं है।
उनको ये बताना चाहिए क्यों नहीं है। इसमें दो कारण हैं, तीन कारण है बल्कि, दो कारण नहीं है। पहला कारण तो यह है कि एक न्यायपालिका का आदेश आया, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया 2003 जनवरी में, अर्धसैनिक बल के संगठन गए थे और अर्धसैनिक बल के संगठनों के पक्ष में दिया कि इनकी ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल कर दिया जाए। तो पहला कारण है बहाल होने का। दूसरा कारण है राजस्थान, झारखंड, सॉरी राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब में बहाल कर दिया गया है। झारखंड कह रहा है कि हम बहाल करेंगे। महाराष्ट्र में आंदोलन कंटिन्यूअस लगातार चल रहा है। तीसरा कारण है कि जब विधायिका और न्यायपालिका में पहले से ही पेंशन स्कीम लागू है तो आखिर इनको समस्या क्या है। अब जो सबसे बड़ी समस्या, मतलब जो जनता नहीं जानती है, अभी आप लोग बता रही थी कि 10% कर्मचारी का काटते हैं, 13% सरकार का कंट्रीब्यूशन होता है। ये सारा पैसा पूंजीपतियों के बैंकों में जमा होता है, कभी यूटीआई में जमा होगा, कभी बिरला सन लाइफ में जमा होगा, कभी एचडीएफसी में जमा होगा। तो हमारी जो कर्मचारी हैं उनका पैसा तो कट रहा है, उसका इंटरेस्ट बैंक ले रहे हैं, उससे फंड मैनेजर इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न ले रहे हैं, लेकिन पेंशन क्यों नहीं दे रहे हैं उनको। तो सरकार को किन्हीं परिस्थितियों में लागू करना पड़ेगा, नहीं तो जैसे महाराष्ट्र में आंदोलन चल रहा है उसकी शुरुआत आज उत्तर प्रदेश लखनऊ से हो चुकी है और चलेगा। संतोष जी, अभी आपने सुना कि किस तरीके से जो रविंद्र प्रताप है उन्होंने कहा कि जो भाजपा है वो पेंशन नहीं देती है। तो सरकार को किन्हीं परिस्थितियों में लागू करना पड़ेगा, नहीं तो जैसे महाराष्ट्र में आंदोलन चल रहा है उसकी शुरुआत आज उत्तर प्रदेश लखनऊ से हो चुकी है और चलेगा। मुझे जरा बताइए, आरबीआई का गाइडलाइन है, आरबीआई ने जो गाइडलाइन जारी किया वो सबको मालूम है। अदर स्टेटों में कुछ जगहों पे जहां कांग्रेस की सरकार है इन्होंने लागू करने के प्रयास किया तो स्पष्ट रूप से आरबीआई ने गाइडलाइन जारी किया कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं पुरानी पुराने पेंशन को पास। वो आरबीआई का रोल अलग है, सरकार का रोल अलग है, इसमें भाजपा का रोल और हमारी सरकार का रोल कहां से आ गया। वहीं कांग्रेस से अभिमन्यु त्यागी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपने महंगाई को लेकर बात की, महिलाओं की सुरक्षा पे बात की, अभी आपने बीते दिनों प्रदर्शन भी किया आपकी पार्टी ने, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको भी पुरानी पेंशन का मुद्दा उठाना चाहिए था? आपने कभी इस मांग को क्यों नहीं रखा? जो असल मुद्दे हैं, जैसे भूख का, भ्रष्टाचार का, महंगाई का, बेरोजगारी का, चिकित्सा का, शिक्षा का, किसानी का, ये जो सारे मुद्दे हैं, पुरानी पेंशन का, ये सारे जो मुद्दे हैं कांग्रेस पार्टी उन पर संघर्ष करती है और चुनाव में मुद्दे भी रखती है। लेकिन होता क्या है, लेकिन जो भावनात्मक मुद्दे हैं वो ज्यादा हावी हो रहे हैं, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, लेकिन ये सारे भावनात्मक मुद्दे असल मुद्दों को दबा देते हैं। लेकिन बावजूद इसके सत्ता तो भाजपा प्राप्त कर लेती है, लेकिन असल मुद्दे जो के तू खड़े रहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ में, कांग्रेस पार्टी ने अभी हिमाचल में भी पुरानी पेंशन बहाली कर दी, राजस्थान में कर दी, और कांग्रेस पार्टी तो चाहती है कि बहाली करे। लेकिन सर, आपने जब यूपी में प्रदर्शन किया, लगातार आप सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, तो आपने पुरानी पेंशन बहाली की मांग को मुद्दा क्यों नहीं बनाया? क्योंकि जब भी आपके प्रवक्ता से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने हमेशा महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं की सुरक्षा का ही यूपी में जिक्र किया है, लेकिन पुरानी पेंशन बहाली का जिक्र नहीं किया कहीं। देखिए, हम लगातार रखते हैं, हमने उत्तर प्रदेश का 2022 में जो अभी चुनाव लड़ा, हमने अकेले लड़ा, कमजोर संगठन था क्योंकि उसके बाद हमारे संगठन का चुनाव भी होना था, लेकिन हमने मुद्दा रखा। हम जनता को अपना मुद्दा समझा नहीं पाए ठीक से, और भारतीय जनता पार्टी अपने व्यापक प्रचार तंत्र और जो भावनात्मक मुद्दों को उभार कर ये हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान पर इन्होंने सरकार बना ली। लेकिन मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि जो असल मुद्दे थे आज भी जो के तू खड़े हुए हैं, कोई आज भी अगर पूरा जीवन सरकार को दे दे, पूरा जीवन जनता के लिए काम कर दे, नौकरी पेशा आदमी, और रिटायरमेंट के बाद अगर उसको पेंशन मिले तो इसमें सरकार को क्या दिक्कत है? जब देश में खाने को अनाज नहीं था, देश गरीब था, उस दौरान से भी हम पेंशन देते आ रहे हैं, आज क्या दिक्कत है? अब आरबीआई का एक आरबीआई का क्या मत है इस बारे में, इस बारे में अभी हमारे एक साथी ने बताया, लेकिन मेरा मानना इस मामले में कुछ और है। मेरा मानना है जब एक तरफ चंद पूंजीपतियों को लाखों करोड़ों रुपए सिर्फ प्रोजेक्ट फाइल के तौर पर दे दिए जाते हैं,
लाखों करोड़ रुपए वो लेके भाग गए। जहाँ पहले 2014 तक 2.5 लाख करोड़ का एनपीए होता था, आज 12 से 14 लाख करोड़ का एनपीए हो गया। जहाँ 2014 तक 70 साल में 50 लाख करोड़ का ऋण था भारत में, आज 150 लाख करोड़ का ऋण हो गया। आप पुरानी पेंशन ना देने के 100 वाहन निकल आएंगे, 1,000, 10,000, 1,00,000 वाहन निकल आएंगे, पर कभी आप सफल नहीं हो पाओगे, क्योंकि जो असल जो मुद्दे हैं तो संतोष जी, अभिमन्यु जी ने इल्जाम लगाते हुए साफ तौर पर कहा कि आप मुद्दों से भटकाने का काम करते हैं, जो असल मुद्दे हैं आप उस पर काम नहीं करते। आपकी सरकार के कार्यकाल में जो भारत के पैसे हैं वो उद्योगपति लेके बाहर भाग गए, तो फिर अगर आपको अब देश के लिए काम करना है, यानी कि पुरानी पेंशन बहाल करना है, तो आप उसके लिए क्यों नहीं तैयार हो रहे हैं? एक चीज है, हम गुमराह करने का मैटर आता कहां से? सीधी सीधी बात है, जो गवर्नमेंट आरबीआई का गाइडलाइन जो जारी हुआ है, उसी गाइडलाइन पे सरकार काम कर रही है, उसी गाइडलाइन पे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो काम कर रही है। ये रही बात, ये जो बोल रहे पूंजीपति आए भाग गए चले गए, पूंजीपतियों को इनके घर के और हमारे घर के लोन थोड़ी ने दिए थे ना, हमारी सरकार ने दिया था। वो चाहे नीरव मोदी रहे हो, उनके पहले कोई और भी रहा हो, उसके समय में सरकार किसकी थी, गवर्नमेंट किसकी थी? अरे भाग गए चले गए, और चिंता मत करिए, जितने लोग भागे हैं चाहे हमारे पास के गए हो चाहे आपके पास के गए, कोई बचने वाला नहीं है। अभिमन्यु जी इतना ध्यान रखिएगा, कोई बचने वाला नहीं है, सब लोग आएंगे और सब सारी व्यवस्थाएं सरकार अपने हिसाब से कर रही है और करेगी। रही बात पेंशन के, तो बेसिक मुद्दे पे चर्चा का विषय, सबको मालूम है कि सरकार की आरबीआई की गाइडलाइन क्या है, उसमें बताने की क्या जरूरत, बहस करने की क्या? सबके समय आएंगे, जैसा होगा वैसा हम सरकार के साथ बात करेंगे। अगर सरकार की व्यवस्था बनती है तो उस पर चर्चा किया जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसको मुद्दा बना करके, राजनीतिक मुद्दा बना करके और आपस में इस तरह के मतभेद पैदा हो और लोगों को गुमराह करने का काम किया, मुझे नहीं लगता है। तो लगातार सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। रविंद्र जी, मेरा सवाल अब आपसे यह है कि जिस तरीके से भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि उद्योगपति पैसा लेकर के भाग गए भारत का, लेकिन जनता की सुनवाई नहीं होती है, पुरानी पेंशन नहीं आ रही है, लेकिन एक समय पर आपकी भी तो सरकार बनी हुई थी, आप भी तो सत्ता में थे, तब आपने पुरानी पेंशन को बहाल क्यों नहीं किया? जी रविंद्र जी, तो अभिमन्यु जी, भाजपा ने आप पर आरोप लगाते हुए कहा कि जो भगोड़े हैं वो पैसे तो आपकी सरकार में भी लेके भागे, तो आप हम पे क्यों इल्जाम लगा रहे हैं, क्योंकि सरकार तो आपकी भी थी, आपने तब पुरानी पेंशन को बहाल क्यों नहीं किया? क्योंकि साल 2004 का ये मुद्दा है, नई पेंशन आ गई है, साल 2023 है, इतने में तो कई बार आपकी भी सरकार बनी। देखिए, पहले मैं भाजपा के जो हमारे साथी हैं जो उन्होंने बात कही उसका जवाब देना चाहूंगा। जी, इस देश में सिर्फ दो योजनाएं चल रही है, एक पकोड़ा योजना और एक भगोड़ा योजना, इसके अलावा कोई तीसरी योजना चल रही हो तो हमारे भाजपा के जो साथी है वो बता दें। हम रोडवेज की बस में, हम ट्रेन में, हम मेट्रो में, हम बिना टिकट लिए नहीं बैठ सकते। बाहर विदेश जाएंगे तो बिना वीजा बिना टिकट के नहीं जा सकते। अगर वो देश छोड़कर भागे हैं तो आप उनको वैसे ही पकड़ के ले आ सकते थे, लेकिन इनकी नियत में खोट है, लगता है कुछ ना कुछ माल का बंटवारा है, मिली भगत है। और मैं एक और बात कहना चाहूंगा, मैं ये बात कहना चाहूंगा, जो पुरानी पेंशन के लिए आपने सवाल किया जी, कि कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं लागू करी, देखिए उसके कहीं ना कहीं बहुत कारणों में एक कारण ये भी रहा कि ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बन पाया, लेकिन कर्मचारी यूनियनों ने मिलकर जिस तरह से इसको मुद्दा बनाया है उसको इसके लिए हम साधुवाद भी देना चाहेंगे। इसको मुद्दा बनाया है तो राजनीतिक दलों ने भी माना कि जरूर इसमें कहीं ना कहीं खामियां रही हैं और हमें ये मुद्दा बनाना चाहिए, और ऐसे मुद्दों का स्वागत होना चाहिए जो जनहित के लिए हो, जो राष्ट्रहित के लिए हो, और जिससे लाभ बहुत बड़ी संख्या में लोगों को होने जा रहा है। बिल्कुल रविंद्र जी, जिस तरीके से भाजपा कह रही है कि आरबीआई की गाइडलाइंस की वजह से नहीं हो पा रहा है, और लगातार आरोप लगा रही है कि हमने कोशिश करी,
और आप भी लगातार आरोप लगा रहे हैं भाजपा पर कि उन्होंने पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए कोई भी कर्मचारियों की सुनवाई नहीं की, लेकिन एक समय पर उत्तर प्रदेश में आपकी भी सरकार थी, तब आपने पुरानी पेंशन बहाल क्यों नहीं कर दिया? तब तो आप आराम से बहाल कर सकते थे, सत्ता आपके हाथ में थी। जी रविंद्र जी, अच्छा आप मुझसे पूछ रहे हैं। हाँ जी सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि एक समय में तो सूबे की सत्ता आपके हाथ में भी थी, आज आप भाजपा पर इल्जाम लगा रहे हैं कि भाजपा पुरानी पेंशन बहाल नहीं कर रही है, लेकिन जब आपकी सरकार थी तब आपने भी तो बहाल नहीं की पेंशन। देखिए, ये जो पेंशन खत्म किया गया 2004 में किया गया था, जब भाजपा की सरकार केंद्र में थी, उसके बाद से बहुत सारे मामले अदालत में पेंडिंग थे। जब तक अदालत में पेंडिंग मामले हैं तब तक आप उस पर निर्णय नहीं ले सकते हैं जी, किसी प्रकार से भी निर्णय नहीं ले सकते हैं। निर्णय अभी 2003 के जनवरी में आया है, अब इसके बाद से बहाली आपको करना पड़ेगा, किसी हालत में करना पड़ेगा, क्योंकि जो निर्णय सरकार का आ गया है, पहली बात तो आरबीआई की कोई गाइडलाइन नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो बोला है वो गलत बोला है जी, क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइन होती तो हाईकोर्ट का निर्णय नहीं आता। तो हाईकोर्ट का अगर निर्णय आ गया है और निर्णय जनवरी में आया है, फरवरी में हम लोगों ने विधानसभा में इसकी मांग उठा दी है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया है हमारी सरकार आएगी, हम इसको बहाल करेंगे। संतोष जी, जिस आरबीआई की गाइडलाइन का आपने जिक्र किया है उसका रविंद्र जी ने सिरे से खंडन किया है कि ऐसी कोई गाइडलाइन ही नहीं है, ये सिर्फ भाजपा पल्ला झाड़ रही है। सवाल करिए, जितनी चीजें वो बोल रहे हैं उनके पास कोई आधिकारिक जानकारी है क्या? उनको सर, अगर डेटा आपके पास है तो आप ही दिखाइए फिर डेटा, हम तो डेटा देखना चाहते हैं। मैडम, मैं तो बता रहा हूँ कि हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो डेटा नहीं है क्या? सर आप लोग एक एक करके बोलिए तभी हमारे दर्शकों तक आपकी आवाज पहुँचेगी। सर मेरा सवाल संतोष जी से। मैडम मैं वही कह रहा हूँ कि अगर हमारे सपा के प्रवक्ता जो बैठे हैं भाई हमारे रविंद्र जी, अगर उनके पास उन्हीं का कोई गाइडलाइन हो जिससे वो प्रूव कर सके कि हाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पेंशन रुकवा दिया, भारतीय जनता पार्टी की पेंशन को लागू करना नहीं चाहती है भाजपा, तो एक बार वही उनके पास कुछ हो तो वही बता दें। वही खुद कह रहे हैं कि हाँ भाई सरकार को बहुत सारे मुकदमे थे जो कोर्ट में पेंडिंग थे, बाद में जो है वो फैसला आया। आप पहले जानिए तो कि सिस्टम बनता कहाँ से, सरकार के सिस्टम किसी पार्टी या सरकार का कोई सिस्टम नहीं बनता है, उसको लिए सारी चीजें सारी व्यवस्था बनाई। और आपने कैसे कह दिया कि आरबीआई ने नहीं कहा था? आपको अभी अभी मैं मेरे पास ऐसा नहीं व्यवस्था है जिससे मैं निकाल के दिखाऊं और ये व्यवस्था क्यों? आरबीआई ने कहा नहीं, आरबीआई को आपका स्टेटमेंट नहीं दिया आरबीआई ने कि हाँ हम नहीं कर सकते हैं, चाहे जो भी गाइडलाइन आरबीआई का आया नहीं, आप ये कैसे कह सकते हैं कि नहीं आया है? आपके पास अगर नहीं आया है, आपके पास कोई प्रूफ हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बैन किया है, सरकार ही नहीं चाहती है कि नहीं, आपके पास कुछ अप्रूवल हो कोई प्रूफ हो तो बता दीजिए आप, हमको समझ जाएंगे। सर जवाब दीजिए, क्योंकि उन्होंने तो साफ तौर पर आप पे आरोप लगा दिया कि आपके पास तो डेटा ही नहीं है, आप सिर्फ हवाई बातें कर रहे हैं। अगर मैं हवाई बातें कह रहा हूँ तो लोकसभा के सदन के पटल पे है कि जब आदरणीय श्री वाजपेयी जी की सरकार थी, इन्होंने पेंशन स्कीम को वापस कर लिया, वो सदन के पटल से आप नहीं हटा सकते हैं। फिर जो मुकदमे चले कोर्ट में वो कोर्ट के रिकॉर्ड में है, मैं दिल्ली हाई कोर्ट बता रहा हूँ जिसका फैसला भी हुआ है, तो वो कोर्ट के रिकॉर्ड से नहीं हटा सकते हैं। अब इसमें अगर आरबीआई की गाइडलाइन होती तो सरकार खड़ी होती वहां पे हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में कि देखिए आरबीआई की गाइडलाइन है, आप फैसला नहीं दे सकते हैं, तो निश्चित रूप से कोर्ट फैसला नहीं देती, तो कोर्ट ने फैसला दिया। अब इसके एडिशनल आ जाइए, अगर आरबीआई की गाइडलाइन होती तो विधायिका और न्यायपालिका में पेंशन स्कीम क्यों होती? तो निश्चित रूप से ऐसी बात करते हैं, इतनी झूठ बोलने वाली बात करते हैं। अब इन्होंने नहीं मना किया उसका भी बता दे रहा हूं मैं, हम लोगों ने फरवरी में सदन चल रहा था तो विधान परिषद में हमारे डॉक्टर मान सिंह जी ने मांग किया ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने का, तो ये स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी ने मांग किया, और उसके जवाब में इनके वित्त राज्य मंत्री जी श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी का जवाब आया कि हम नहीं लागू कर सकते हैं, इससे ज्यादा क्या प्रूफ चाहिए, इनको क्यों झूठ बोलते हैं, ये आदि हो चुके हैं ये पार्टी झूठ बोलने की। किसी चीज पे सच बोलना नहीं है, तथ्यात्मक डाटे नहीं है, ये अपने सदन के डाटा को नहीं मानेंगे,
दो दो सदनों में हुआ, जहां से खारिज किया गया लोकसभा में, हमने अभी मांग किया यहाँ पर इनके वित्त राज्य मंत्री ने खारिज किया, उसको डाटा नहीं मानते हैं, इसका मतलब इनको जानकारी नहीं है। दूसरा जो हाई कोर्ट का फैसला आया, दिल्ली हाई कोर्ट का, उसको ये नहीं मानते हैं। तो अगर नहीं मानते हैं तो इनको अपडेट होने की जरूरत है, इनके 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 पार्टी को बताने की जरूरत है कि इनको अपडेट करके भेजा करें। बिल्कुल संतोष जी, आप पर सीधा इल्जाम लगाया गया है कि आपके पास डेटा नहीं है, आप अपडेट नहीं है, और ये भी इल्जाम लगाया गया कि सपा के जो सांसद हैं, जो भी विधायक हैं, उन्होंने कहा कि पेंशन को बहाल किया जाए, लेकिन भाजपा ने सिरे से नकार दिया कि हम नहीं करेंगे। तो लगातार हम संतोष जी से संपर्क साधने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको हम बता दें कि अभिमन्यु त्यागी जी भी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, लगातार ये कहा जा रहा है कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के जो है आवाज उठाई गई है, लेकिन भाजपा ने हर बार आवाज को दबाने का काम किया है। उन्होंने तो आवाज हिमाचल में भी दबाने की कोशिश की थी, वहां की जनता ने इनको सबक सिखाया है, लेकिन गुजरात में भी कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था पुरानी पेंशन बहाली का, वहां सक्सेसफुल नहीं हो पाए हम लोग, लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता ने हमारी बात को समझा और भरोसा किया, और उस भरोसे के नाते हमको वोट करी और सरकार बना दी। 2024 में भी कांग्रेस पार्टी का यही मानना है कि हम लोग पुरानी पेंशन बहाली को भी अपना मुद्दा बनाएंगे, जिससे कि जो सरकारी कर्मचारी जो रिटायर हो, जो बुजुर्ग हो गए हैं, उनको अपने बुढ़ापे में जब वो बुजुर्ग रिटायरमेंट के बाद सरकार की तरफ से जो उन्होंने पूरी मेहनत की है उसको उनको पेंशन के तौर पर मिलना चाहिए, उनका हक है। रविंद्र जी, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि कांग्रेस इस बार पुरानी पेंशन बहाली को अपना मुद्दा बनाएगी, क्या सपा का भी 2024 का ये क्या मुद्दा होगा? पिछले चुनाव में ही था मेरा, तो क्या इस बार के चुनाव में भी आप इस मुद्दे पर आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल, अभी मुद्दे पे आगे नहीं बढ़ना होता तो विधान परिषद में अभी जो सदन हुआ, अभी जो विधानमंडल दल का बैठक हुई है, उसमें हम क्यों मुद्दा उठाते हैं? उठाएंगे और जोरदार तरीके से उठाएंगे, और इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पे कर्मचारी संघ उठा रहा है। महाराष्ट्र की हालत बहुत बदतर होती चली जा रही है इसी मांग पे, और उत्तर प्रदेश में आज शुरुआत हो चुकी है, सरकार का डिसीजन, न्यायालय का डिसीजन आ चुका है, आपको देना पड़ेगा। और आप कह रही थी भारतीय जनता पार्टी का, जरा इनसे पूछिए, जो बिजली विभाग कर्मचारियों का पैसा DHFL में लिया था और DHFL भाग गई, क्या आज तक वापस दिला पाए उसको? पेंशन की तो बात छोड़ दीजिए, जो कर्मचारियों ने अपने भविष्य निधि का पैसा जमा किया वो प्राइवेट बैंक में दे दिया, प्राइवेट बैंक उसको हड़प गई जी। और आज तक दिलाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाए ये लोग। तो ये क्या करते हैं, ये एक संगठित रूप से, जैसे एक संगठित समूह हो, वो एक बात को झूठे रूप से कहते हैं और सबसे प्रचारित कराते हैं, पता ऐसी तथ्यात्मक बातें जो लोकसभा में कही गई हो, जो विधान परिषद में कही गई हो, जो न्यायालय में कही गई हो, जिसके लिए अर्धसैनिक बल के एक संगठन ने लड़ाई लड़ी हो अदालत में, उसको भी नकारते हैं। अब आप इनकी मानसिकता को समझ सकते हैं। तो हमारा मुद्दा सर, समय की कमी की वजह से मैं आपको रोकना चाहूंगी। आप सभी तमाम प्रवक्ताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो हमने देखा कि पुरानी पेंशन वालों की पुकार, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, और अभी तकरीबन महज कुछ ही मिनटों में उनका प्रदर्शन शुरू हो जाएगा पुरानी पेंशन बनाम नई पेंशन को लेकर। जो यूपी की सियासत है वो भी अब गर्माती हुई नजर आ रही है। तो 2004 में न्यू पेंशन जो लागू किया गया था उसके विरोध में साल 2023 में भी लगातार प्रदर्शन की आग जो है वो भड़की हुई है। कई राज्यों में तो पुरानी पेंशन स्कीम को एक बार फिर से बहाल कर दिया है, लेकिन जो यूपी के कर्मचारी है वो आज भी परेशान है पुरानी पेंशन बहाली को लेकर। सशस्त्र बलों को छोड़कर सभी आम आदमी है वो इस पेंशन का लुत्फ उठा सकते हैं, लेकिन अब इस जो न्यू पेंशन स्कीम है इसको लेकर विरोध भी शुरू हुआ है। दरअसल साल 2009 में एक संशोधन किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि अब पेंशन के दायरे में आम आदमी भी आ सकते हैं।
तो ऐसे में आज जब अब महज कुछ ही देर में प्रदर्शन शुरू हो जाएगा, सभी जनपदों के मुख्यालयों पर भी प्रदर्शन देखने को मिलेगा, तो ऐसे में ये देखना अहम होगा कि वाकई में इस बार जो सरकार है वो ध्यान देती है उनकी मांगों पर, या इस बार भी उन सभी की मांग ठंडे बस्ते में चली जाती है। वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विभांशु भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, अब से महज कुछ ही मिनटों में जो कर्मचारी है, केंद्र और राज्य के कर्मचारी, उनका प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। जी विकास, आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के 75 जिलों में आज पुरानी पेंशन यानी कि ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर तमाम जो कर्मचारी है राज्य के साथ ही साथ केंद्र के, वो अपनी मांगों को लेकर आज कलेक्ट्रेट और कलेक्ट्रेट के जिलाधिकारी आवास के सामने अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं। सामने आप देख रहे हैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत जिसका काम धरना प्रदर्शन कवर करना है। आज सौभाग्य की बात है, दूरदर्शन के एक कर्मचारी दूरदर्शन में लखनऊ से प्रभारी है, हमारे प्रिंसिपल हैं, उनको बड़ी आदत के साथ आप सबके प्रतिनिधि को एहसास कराते हुए आमंत्रित करता हूँ। दूरदर्शन में और आजकल हमारे आज वो हमें संबोधित करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल विभांशु, साल 2004 में न्यू पेंशन स्कीम को लागू किया गया था और आज साल 2023 है, ऐसे में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो क्या लगता है कि इस बार इनकी मांगों को तवज्जो मिलेगी या फिर इस बार भी इनकी मांगे ठंडे बस्ते में जाएंगी? जी अगर बात करें 2022 के चुनाव के दौरान आपको देखा कि समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में एक बार सरकार में आते हैं तो पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करेंगे, ठीक वैसे ही दाई ना कहीं इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव है। तमाम राजनीतिक दल अपने अपने मैनिफेस्टो को तैयार करेंगे, फिर से अपने पत्र को तैयार करेंगे, उसमें कहीं ना कहीं देखें तो ये जो ओपीएस है ओल्ड पेंशन स्कीम ये भी रख सकती है। और ये अगर बात करें तो लगातार मांगे होती रहती है 2004 से, जब से न्यू पेंशन स्कीम है, 2003 में ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म किया गया, उसके बाद लगातार जो सरकारी कर्मचारी है चाहे वो केंद्र के हो चाहे राज्य के, लगातार मांग मांगते रहे हैं कि हमें पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाए। और साथ ही उनकी तरफ से दलील ली जा रही है क्योंकि अगर बात करें तो ओल्ड पेंशन स्कीम में जो रिटायरमेंट के बाद 50% सैलरी जो कर्मचारी होता है उसको दिया जाता था, मगर बात करें फिलहाल में न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारियों का 10% पेंशन को काट कर और जब वो रिटायर होते हैं तो 10% उस वक्त दिया जाता है, साथ ही उसमें 4% का इजाफा होता है, यानी कि पहले 50% दिया जाता था अब 14% दिया जाता है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं जो केंद्र के और राज्य के कर्मचारी हैं वो काफी आक्रोशित है और सरकार से इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, साल 2009 में जब संशोधन किया गया तो उसमें आम आदमी को भी इस पेंशन बहाली में शामिल किया गया, तो ऐसे में आज जब प्रदर्शन हो रहा है तो क्या वहाँ पर आम आदमी जो है वो भी प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं? वे राज्य के और केंद्र के कर्मचारी हैं, वो यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा एक बार आपको दिखाएं कि ये राजधानी लखनऊ के अलग अलग कोनों से आए हैं और इसमें आम नागरिक नहीं है बल्कि सभी कर्मचारी हैं राज्य और केंद्र के, और इनका यही कहना है कि जो सरकार है केंद्र में साथ ही साथ राज्य में, वो हमारे मामले को ध्यान आकर्षित करते हुए हमें पुरानी पेंशन की जो स्कीम है उसके तहत हमें फिर से बहाली की जाए। अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस शासित प्रदेशों में हाल फिलहाल में पुरानी पेंशन स्कीम को लागू की गई है, साथ ही साथ पंजाब और बात करें तो हिमाचल प्रदेश समेत तमाम राज्यों में पुरानी पेंशन को लागू की गई है, लगभग 5 राज्यों में किया जा चुका है और अब कहीं ना कहीं दबाव इससे इन कर्मचारियों के एकत्रित होकर अपने कार्य के बहिष्कार करके अब कहीं ना कहीं जो दबाव है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, धन्यवाद विभांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुँचाने के लिए।
तो आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जो केंद्र और राज्य के कर्मचारी है वो लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। साल 2004 में भले ही नई पेंशन की स्कीम लागू हो गई हो, लेकिन 2023 में भी उनकी मांगों को सुना नहीं गया, वो लगातार अपनी मांगों को उठा रहे हैं। वही आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर व्यापक प्रदर्शन देखने को मिला, जहां पुरानी पेंशन को लेकर के जो सभी केंद्र और राज्य के कर्मचारी हैं वो अब सरकार से ये मांग उठा रहे हैं कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए, जिसको लेकर आज सभी केंद्र और राज्य के कर्मचारी प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जुटे हैं। हमारे आज की इस रिपोर्ट में इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी। यार विष्णु, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।